भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने का मिशन अपने परवान पर है। इंडियन एयरफोर्स को ताकतवर मिसाइलें सौंपी जा रही, साथ ही देश में फिफ्थ जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की भी तैयारी हो रही, यानी तैयार हो रहा हिंद का सबसे बड़ा जंगबाज, ऐसा योद्धा जो जंग के मैदान में जीत की गारंटी देगा। सुपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाने की ताकत होगी उसके पास। हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा था कि भारत को 4.5 जनरेशन के एडवांस विमानों की जरूरत है। भारत पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन पर काम कर रहा, यानी देश में ही सबसे मॉडर्न, सबसे ताकतवर और सबसे विध्वंसक फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो किसी भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन को हवा में ही फना कर देगा। खबर है कि भारत जल्द ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के तहत देश में एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करेगा, जिसके लिए 15,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। हिंद के नए सुपर सोल्जर की तरकश में ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र होंगे जो सेकेंडों में चीन और पाकिस्तान को घुटने पर ला देंगे। भारत अपने हवाई बेड़े को ताकतवर बनाने के लिए जिस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को तैयार करेगा, उसमें अमेरिका के F-22 राप्टर जैसी बेमिसाइल ताकत होगी, रूस के सुखोई 57 जैसा दमखम होगा, ये हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल लैंडिंग करेगा, साथ ही तूफानी रफ्तार से पल भर में आसमान की ऊंचाई नाप लेगा। इसके रेंज में पूरा पाकिस्तान और चीन होगा। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए 240 स्टिल्थ फाइटर प्लेन की जरूरत है, जिसमें 6 स्क्वाड्रन होंगे। पहला 2 स्क्वाड्रन MQ-1 होंगे, जबकि बाकी के 4 स्क्वाड्रन MQ-2 होंगे। भारत ने एयरो इंडिया 2013 में पांचवी पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने के लिए रूस के साथ साझेदारी की थी। 2017 में इसका एक स्टेज पूरा हो गया था। देश में इस फाइटर प्लेन के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा चुका है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला पांचवी पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयर फ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एमका पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI जोड़ा गया है। DSI में दुश्मनों की रडार को चकमा देने की क्षमता होती है। एमका में एडवांस सेंसर जैसे डेटा फ्यूजन शामिल होगा, साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टेल्थ मैनेजमेंट से लैस होगा, जिसमें AESA रडार लगाया जाएगा। यही नहीं, भारत की स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपरमैन बीटल के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होगी। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट होते हैं, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत होती है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में भी सक्षम होते हैं। खैर, भारत आने वाले वक्त में फिफ्थ जनरेशन का स्वदेशी सुरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया की उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन के फाइटर प्लेन है। आपका क्या कुछ कहना है एमका को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।